पे रजिस्टर्ड क्या होगी, और वो क्या होगा, स्टेबल होगा. क्या होगा? और जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा वो हाई एनर्जी लेवल्स में जाएगा. जब वो हाई एनर्जी लेवल्स में जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, ज्यादा, और वो क्या होता जाएगा, अनस्टेबल. वो क्या होता जाएगा, अनस्टेबल. तो इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबिलिटी हमें उस इलेक्ट्रॉन को किस में रखना होता है, लो एनर्जी स्टेट. किसमें? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट में जाएंगे, बाद में हाई एनर्जी स्टेट में अगर बचे तो. तो ऑफ बोहर प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पहले उस एनर्जी लेवल में एड किया जाता है जिसकी एनर्जी कम होगी, और उसके बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाएगी हम शेल्स और सब शेल्स की तादाद भी बढ़ाते जाएंगे, जो कि कॉन्सिक्वेंसली न्यूक्लियस से दूर होते चले जाएंगे. क्लियर होगी बात? तो ऑफ बोहर प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सबसे पहले कहां रखने हैं आपने, लो एनर्जी स्टेट, फिर कहां लेके जाने हैं, हाई एनर्जी स्टेट. तो शेल या सब शेल की जो डिवीजन है या उसमें इलेक्ट्रॉन की जो अकोमोडेशन है उसमें आपने ख्याल रखना है कि किस सब शेल की एनर्जी लेवल कम, पहले उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाद में हाई एनर्जी स्टेट जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज ऑफ बोहर प्रिंसिपल. आफ्टर दैट पॉल इज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब आप देखिए, अगर आपके पास एक शेल है या सब शेल है, आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ट्रेवल या इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज प्रेजेंट इन एनी सब शेल और शेल इन द फॉर्म ऑफ पेयर, इन द फॉर्म ऑफ पेयर. अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की शक्ल में है तो आप सबको पता है, मिसाल के तौर पर एक इलेक्ट्रॉन मैं बना लेता हूं, ये मेरे पास एक ये इलेक्ट्रॉन है, दैट इज माई इलेक्ट्रॉन, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन मैं बना लेता हूं यहां पर. ये फर्स्ट तो ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये एक सबशेल में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. अब आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव. इस पर भी क्या होगा, नेगेटिव. तो दे शुड रिपेल ईच अदर, दे शुड रिपेल ईच अदर. इनको तो एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, बिकॉज सिमिलर चार्जेस रिपेल एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट. बट ये रिपल रिपल्शन नहीं करते, ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, और अगर रिपल्शन थोड़ी सी होती भी है तो वो बहुत ही कम, इतनी कम कि आप उसको इग्नोर कर सकते. अगर ये पेयर की शक्ल में मूव कर रहे हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं कर रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हुए देखा होगा अक्सर कि बास का दो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को ना वो ऐसे लिखता है, देखा कभी? इस तरह से भी लिखता है. अच्छा, इसी तरीके से वो इलेक्ट्रॉन की मोशन के दौरान जो उसकी स्पिन है उसको जाहिर करने के लिए ऐसे भी लिखता है.